यार कहाँ रह गई है महरू? अम्मा समझाती हैं, मैं समझाती हूँ, मत टेंशन दिया करो किसी को, लेकिन नहीं, अपने बचपने में बस सब कुछ कर जाती है। अब कर ही होगी अपनी माँ पर मस्तियाँ। महरू कहाँ रह गई थी तुम? उफ़ अल्लाह, तुमने तो मुझे डराई दिया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। दुआ, तुम्हें पता तो है जुनैरा की मेहंदी पे गई थी, देर तो हो जानी थी। हाँ, तुम्हें तो कोई फिक्र थी नहीं, यहाँ तो मेरी और अम्मा की जान जा रही थी तुम्हारी फिक्र करते हुए। अम्मा अभी तक जाग रही हैं? जी नहीं, बड़ी मुश्किलों से लिटा कर आई उन्हें। और अब्बा? वो तो अम्मा ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम सो रही हो। शुक्र है अम्मी कितनी अच्छी हैं। उफ अल्लाह। मेहरू तुम्हें ना अब कुछ सीरियस होना पड़ेगा। तुम्हारे पीछे या तो अम्मा तुम्हारे लिए झूठ बोल रही होती है या मैं तुम्हारे लिए झूठ बोल रही होती हूँ। एक बात बता दूं तुम्हें, मैं झूठ के पैर नहीं होते। अगर किसी दिन तुम्हारी पोल खुल गई ना अब्बा के आगे, तो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे अब्बा, मेरी और अम्मा की जान ले लेंगे। अच्छा बस ठीक है ना दुआ, अब अम्मा बनने की कोशिश ना करो। अम्मा सो गई हैं तो तुम उनकी कमी पूरी कर रही हो। मुझे कुछ खाने को तो दे दो, देख लो प्लीज ना, बड़ी भूख लगी है। अच्छा क्यों, तुम्हारी दोस्त की मेहंदी में खाना नहीं था? खाना तो था, लेकिन यार पता है वो एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। क्या? आहिस्ता बोलो पागल, उठाना है सबको। अच्छा सॉरी, लेकिन उसने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? अरे जुनैरा का कजन था, कर भी क्या सकता था बेचारा। और बस मेरी खूबसूरती के किस्से, वो ही बातें पुरानी। और वो देखने में कैसा था? अच्छा था, आई मीन हैंडसम था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जुनैरा बड़ी अमीर फैमिली से है, इसका मतलब उसका कजन भी अमीर होगा। नहीं? हाँ अमीर तो है, अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका से पढ़ के आया है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे मेरी अम्मा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरी बहन की इतने अच्छे घर में शादी होगी तो मेरी बहन महलों में परियों की तरह रहेगी ना। हाँ होगा तो ऐसे ही, लेकिन महलों का राजा मेरी पसंद से होगा। तो ये बात बिल्कुल ऐसी बात है। अभी चलो सोने। ओके।